बाल का, और कहते हैं कि एग्जैक्टली माइंड से सच में क्रैक कर चुका है ये पिक्चर्स, और गेम से रिलेटेड पिक्चर्स था। तो कभी कभी थिएटर में खुद लग रहा है कि जैसे हम लोग अब फोन्स में कभी कभी गेम खेलते, सेम वही थॉट ऑफ प्रोसेस में हम चले जा रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। अविदु जामवाल और रामपाल यादव इस पर कई सारे लोग हैं इस पिक्चर्स में जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। सॉन्ग कैसा था इस सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गए हैं इस पिक्चर्स के। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब इस वीक से पता नहीं कैसे कि एक बम्पर चल रहा है 99 99 100 की टिकट्स की, तो मुझे लगता है अब तो थिएटर आओ भाई, अब तो पिक्चर्स देखो। ओवरऑल मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 5। थैंक यू। क्रैक कैसी लगी फिल्म? अच्छी है, एवरेज मूवी है। इतना जामवाल और रामपाल यादव दोनों, रामपाल रामपाल बेस्ट है। नूरा फतेही भी है लेकिन एक्टिंग इतनी खास नहीं है, मतलब तो है अच्छा दिखता है बस। फर्स्ट हाफ अच्छा था, फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ भी अच्छा ही था, मतलब एवरेज है टोटल। ओवरऑल फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? 2.5। थैंक यू। करेक्ट करेक्ट। कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है, स्टंट बहुत ज़्यादा है विद्यु जामवाल के, रामपाल भी है उसमें, दोनों की केमिस्ट्री जम रही है फाइटिंग में। और नूरा फतेही की एक्टिंग कैसी लगी? इसकी एक्टिंग में हम थोड़े निराश हो गए, ग्लैमर गए लेकिन ग्लैमर दिखाया नहीं उसने। क्या बात। तो ओवरऑल मूवी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा ज़्यादा एंगेजिंग? सेकंड हाफ। इस फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 5 में से 4। थैंक यू सो मच। कौन सी फिल्म देख कर आ रहे हैं आप? मैं क्रैक देख के आ रहा हूँ। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है। अर्जुन रामपाल और विद्यु जामवाल की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, और जो उनके भाई थे निहाल बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और डायरेक्शन बहुत कमाल की आदित्य दत्त सर की। एंड नजर आई उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनका भी अच्छा लगा। ओवरऑल फिल्म की बात करें जाए तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग थी आपके लिए? दोनों एंगेजिंग थे। हम तो देखिए ये फिल्म एंटरटेन के लिए बहुत थी, सीखने के लिए बहुत थी, एक्शन बहुत था, तो दोनों पार्ट एंटरटेनिंग थे। इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? जितने हैं पूरे दे देंगे। ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सिनेमा एंटरटेन के लिए बनता है, बहुत बाखूबी बनाया है, और विद्युत भाई जैसे कह लें कि एक क्या शब्द प्रयोग करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेहनती हैं वो तो जो फिल्में बनाते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ज़रूर देखने आए, मेरा तो ये मानना है कि ज़रूर देखने आए, बहुत अच्छी फिल्म है। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं आप? आज फ्राइडे तो मतलब यही मूवी रिलीज हुई है ना जिसका नाम है क्रैक, और एक 370 रिलीज हुई है आर्टिकल। हाँ तो आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्रैक देख चुके हैं, क्योंकि मैं अपना चश्मा है ना पूरा अक्का लाया था क्रैक देख के, मेरा स्पेक्स भी क्रैक हो गया एक साइड से सीरियसली। बात करूँ ना अगर मैं मूवी की, तो विद्युत जामवाल एक ऐसा एक्शन हीरो है ना जो मतलब बॉलीवुड में कोई नहीं है। अगर मैं टाइगर श्रॉफ की भी बात करूँ तो वो भी नहीं है। अगर करण जौहर जैसा डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन लेके उनको ऐसी मूवीज दे सकता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और भी बहुत सी मूवीज दे सकता है, तो विद्युत जामवाल के लिए क्यों नहीं है? जो बिना तड़के की दाल है ना करण जौहर, जिसमें तड़का बराबर नहीं लगा ना यहाँ का ना वहाँ का, भगवान जाने वो किधर का है मतलब। तो बॉलीवुड में भाई इसको आउटसाइडर क्यों बोलते हैं विद्युत जामवाल को, मेरे वो समझ में नहीं आता। हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी ये मूवी के मेरे लिए, बट कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाई। एक वो भी चीज़ है कि स्क्रीन प्ले काफ़ी थोड़ा लो था, बट विद्युत जामवाल का एक्शन काफ़ी अच्छा है, मानना पड़ेगा। जिस तरह से बंदा जो खुद के स्टंट करता है ना, 70% जो बॉलीवुड में बॉडी डबल करते हैं उनके बिना ये खुद करता है ना, तो हैट्स ऑफ है, मज़ा आया मूवी देख के। रामपाल भी इस फिल्म में, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? अर्जुन रामपाल की एक्टिंग अच्छी है, विद्युत का एक्शन अच्छा है, और नूरा फतेही की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं, सिर्फ उसका ग्लैमर अच्छा है। हाँ तो अगर देखना चाहते हो तो सिर्फ उसका ग्लैमर देखना, और क्या बोल सकता हूँ, बाथरूम तो है ही क्या बोलूँगा मैं बस। ओवरऑल फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे? इस मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार बिकॉज ऑफ विद्युत जामवाल। क्या बात है, थैंक यू। यू वेलकम।